हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेल, मैं तो अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। सो आप लोगों को टाइटल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसो कैसे घर पे बनाना है, ठीक है? कैसे हम कम प्राइस में, अपने बजट में रह के कैसे जिसो बना सकते हैं। तो हमें वाइट ग्लू चाहिए पहले, उसके बाद हमें एक्रिलिक का वाइट कलर चाहिए। अगर आपको दूसरे कलर में बनाना, दूसरे कलर में भी बना सकते। और ये मैंने लिया है पाउडर, जो बेबी पाउडर होता है वो मैंने लिया है। आप इसके जगह में वाइट सीमेंट ले सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है? और हम आज मिक्स करेंगे, उसका रेशियो ये होगा। मैंने 2 टेबल स्पून पाउडर लिया है, उसमें मैंने एक क्वांटिटी के हिसाब से मैंने एक्रिलिक कलर लिया है। मतलब एक फुल स्पून नहीं बोल सकते, बट मैं एक आप भी वैसे ही लें, क्योंकि एक फुल स्पून की ज़रूरत तो नहीं होती है कलर की। और फिर वाइट ग्लू मैंने क्या किया है, मैंने वही सेम लिया है 2 स्पून, ठीक है? 2 स्पून मैंने आपका ग्लू भी लिया है। उसके बाद हम सारे को मिक्स करेंगे, मिक्स हम प्रॉपर अच्छी तरीके से करेंगे, राइट? अच्छे तरीके से करेंगे जब तक उसमें एक स्मूथनेस ना आ जाए, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। आप देखिए, अभी यहाँ पे देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। इसको मैंने बहुत देर तक मिक्स किया है, आप भी जितना देर तक हो सके मिक्स करें, क्योंकि आप जितना मिक्स करेंगे ये इतना स्मूथ बनेगा। तो आप स्मूथ बनेगा तो फिर हमें वो इजी होता है अप्लाई करने में कैनवस के ऊपर। अब ये मैंने कैनवस कर लिया है, ये इसका साइज़ है 20x20, ठीक है? ये छोटा साइज़ है, छोटा साइज़ में मैंने जानबूझ के आपको दिखाया, क्योंकि इजी रहता है कैसे छोटे से ही आप शुरुआत करें, क्योंकि आप बड़ा कैनवस लेंगे आपको जैसो यूज़ करने नहीं आएगा, फिर वो क्या होगा ना, कैनवस हमारा ख़राब भी हो सकता है, राइट? सो हम एक छोटे वाले में पहले अप्लाई करके देखते हैं। और ये बहुत ईजी है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। बिगनर्स लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल भी रहेगा, क्योंकि एक बजट की बात आती है, तो आप इजीली, और ये बहुत स्मूथ भी बन के है, और आपको बहुत स्मूथली आप इजीली आप अप्लाई भी इसको कर सकते हैं। तो आप देखें मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, उसी तरह आप भी अप्लाई इसको कर सकते हैं। इसे अप्लाई आप आराम से करें, धीरे धीरे, क्योंकि आप स्पीड अगर करेंगे तो इसमें वो बीच बीच में वो प्रॉपर स्मूथ सरफेस आपका बनेगा नहीं। और आपको पेशेंस रख के आराम से, थोड़ा टाइम लेके आराम से इसको करना है। और मैं इसमें फ़र्स्ट कोट ही मैंने दिया है, फ़र्स्ट लेयर ही मैंने किया है। आप अगर चाहें तो आप सेकेंड लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें, मैंने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में मैंने किया है, तो इसमें जो जेसो बन के है वो मैं और एक कैनवस में यूज़ कर लूँगी। तो आप अगर चाहते हैं तो जो आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ हो आप उसको सेकंड कोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कोट को ड्राई होने दें, उसके बाद आप सेकंड कोट लगाएं। ये नहीं कि आप सेकंड कोट के ऊपर अगर आप फिर से लगाएंगे
तो वो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले कोट को ड्राई होने दें, पहले लेयर को ड्राई होने दें, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई सेकेंड लेयर। ओके, ओके, अब आप ये देखें, ये मैंने पूरा स्मूथ कर दिया है सरफेस को, ये मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई किया है, बहुत बार बार किया है और ट्राई किया है कि आप लोगों को दिखा सकूं जितना क्लीन हो सके। तो आप भी ऐसा ट्राई करें। ये देखें, मैंने जूम करके आपको दिखाया, आप वो देखें कितने अच्छे से स्मूथ हो गया है सरफेस, और ये ड्राई होने के बाद हमारा रेडी हो जाएगा पेंटिंग के लिए। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही करें। ये मैं साइड में ट्राई कर रही थी, साइड में ट्राई करके मैं धीरे धीरे अप्लाई कर रही थी, बिकॉज़ फिर एजेस ख़राब हो जाएंगे। तो आप अगर साइड में करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप मत भी नहीं करना चाहें तो आप मत करें, क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है एक्चुअली। चलें, थैंक यू सो मच। तो ये है फाइनल पिक्चर जो मैंने ट्राई किया लेने का, रिकॉर्ड किया। आप देखें कितना स्मूथ दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।